नूह जिले के उपमंडल पुनहाना में एक विवाहित महिला के साथ उसके ही देवरों द्वारा जबरन दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला का पति जब इस बात का उल्हाना देने के लिए गया तो दबंगों ने उनके साथ भी बुरी तरह मारपीट की तथा उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुनहाना थाने में देकर पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जी, आपके साथ ये वारदात हुई है, कब की घटना है और क्या है ये मामला? ये 30 तारीख की घटना है। अच्छा, मेरे पति तो घर पे नहीं थे। अच्छा, अपने घर गई थी अपने ससुराल में। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे जो मेरी मतलब सौतन है, मतलब मेरे पति की पहली घरवाली, तो मतलब उसने पहले ही वहाँ पे बुला के रखे होंगे कोई, वो तो मेरे को पता नहीं था। तो मतलब जैसे मैं घर में घुसी है कपड़े लेने के लिए, तो वहाँ पे एक तो जमशेद पुत्र इसराइल मेयो का लड़का है ये। अच्छा, और ये मतलब उसके साथ मतलब पहली घरवाली के साथ वैसे ताल्लुक थे इसके, मतलब पहले नाजायज ताल्लुक, तो मतलब उसका लवर था एक किसान का वो, तो और जावेद पुत्र यूनुस मेरे मामा ससुर का लड़का है ये, और इरशाद पुत्र अब्दुल रहीम ये मेरे देवर है ये। अच्छा, और हारिस पुत्र हनीफ ये मेरे ताऊ ससुर का लड़का है। अच्छा, इन्होंने जैसे मैं अंदर घुसी तो इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, और इन्होंने अचानक से मेरे को मुंह में कपड़ा ठूस के और मेरे साथ इतना बुरा कराए, मतलब मेरे साथ जबरदस्ती करी इन लोगों ने। मतलब मैं अकेली, मतलब चार आदमी के पीछे कुछ एक लेडीज कर सकती है क्या अकेली कुछ? तो कहाँ के रहने वाले हैं सब? मैं जुम्मा कॉलोनी के रहने वाले हैं, जुम्मा कॉलोनी पर पुनहाना। अच्छा, पुनहाना के। और इन्होंने इतना मतलब मेरे को मुंह में तो कपड़ा दे के इन्होंने मतलब मेरे साथ बहुत गलत कराए, रेप कराया इन्होंने किसान का मेरे साथ, और मेरे कपड़े पूरे फाड़ दिए, और बाहर मेरे ससुर जी बैठे थे जब वो तो चले गए निकल के मेरे साथ करके, तो बाहर मेरे ससुर जी बैठे थे, तो मैंने उनको बताया कि ये घटना हुई है मेरे साथ, तो कि मतलब ये कैसे घुसे हैं मेरे कमरे में, तो उन्होंने कही कि हम तो तेरे को बहू नहीं मानते, तो ये तो मेरे हमारे लिए तेरे कमरे में कोई जाए कोई मत जाए हमारे को कोई मतलब नहीं, और मतलब ये पूरा हाथ मेरी सौत का ही उसने बुलाए थे ये। अच्छा, और उसके कहने पे हुआ है ये सब कुछ। तो अब आपने थाने में शिकायत दे दी है इस मामले? थाने में शिकायत दे के आई हूँ मैं। अच्छा, और मतलब ये पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी, मेरे को पूरा भरोसा है इस चीज़ का, और मतलब इन्होंने इतना कुछ कराया मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। वैसे पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाह रही हो आप? पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहती हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी इनको जेल में होने चाहिए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए इनकी जल्दी से जल्दी। और मतलब और शाम को जब मैंने अपने पति के पास ये घटना बताई आके, मेरे पति फिलहाल मेरे साथ नहीं थे, तो मतलब मेरे पति गए हैं उनसे पूछताछ करने को कि भाई तुमने मेरी वाइफ के साथ क्या करा, मेरी घरवाली के साथ क्या करा ये, तो उन्होंने कम से कम कोई 50 आदमी कर रखे इकट्ठे, तो 50 आदमी ने मतलब लाठी चार्ज करके मतलब इसकी पूरी की पूरी दोनों टांगे तोड़ के मार के पटक दिया, तो मतलब बिल्कुल मार दिया ये, मतलब ये किस्म का मरा हुआ था ये। जिस टाइम मैं पहुंची वहां पे तो मैं इसको मरे हुए को उठा के लाई, मेरे को बताई कि आरिफ के साथ वहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये मार पीट रहे हैं आरिफ को, मतलब मेरे पति को, तो मैं वहाँ पहुंची तो ये किस्म का ही मरा हुआ था जब, यानी कि ये उनको उल्हाना देने गया, यानी कहने गया उल्हाना देने के लिए गया उनको कि भाई तुमने मेरी पत्नी के साथ क्यों गलत करवाया है, अपने बाप को कहने के लिए गया ये, तो इसके बाप ने भी लाठी उठा के और मतलब मेरे लड़के भी इकट्ठे कर रखे थे जमशेद वगैरह ये सब, ये मतलब ये सब लाठी चार्ज लेके खड़े हो गए वहाँ पे, तो उसके साथ में मारपीट की है और मार के मतलब मारा मरा हुआ था एक किस्म का, तो मैंने इसको जल्दी से जल्दी मैंने बुला के और मैंने जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में ले ली इसको, तो वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया मांडीखेड़ा के लिए। अभी हालत कैसी है? मतलब इतनी नाजुक है, मतलब ये दोनों पाँव से खड़ा नहीं, मतलब बिल्कुल दोनों पाँव टांगे टूट गई है इसकी, मतलब एक बाजू टूट गया, सर की चोट इतनी गहरी है ये बोल नहीं सकता कुछ भी।